जो सरकार ने काम किए हैं, जो बीजेपी ने काम करवाए हैं, उन मुद्दों पर बीजेपी भी वोट मांगती हुई नजर आ रही है। इसके पीछे कोई खास वजह देखते हैं? नहीं, हमारे जूनागढ़ की मत की पैटर्न देखो आप, जूनागढ़ की। हाँ, तो यहाँ विकास पे ही मतदान होता है। हाँ, यहाँ यही होना भी चाहिए, कायदे से यही होना भी चाहिए। धर्म की बात नहीं चलती है, लोग देखते हैं यहाँ की कितना विकास हुआ है, कौन से काम हुए हैं। हाँ, इससे ही मतदान होता है यहाँ। ये पूरी 5 सीट में आपने बोला ना, 5 में से एक चली गई थी, एक आ गया तो दो या 3 हो गई ना, 2 बीजेपी की हो गई, 3 कांग्रेस की। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी वो पैटर्न शायद ऐसे ही चलेगा। हाँ, तो ये 5-5 सीट में 2017 में कांग्रेस का इसे गढ़ माना गया था। अब 5 साल आपके जिन विधायकों ने काम किया, उसके उस काम के आधार पर आप लोग जनता के बीच जाने को तैयार हैं? हमने जो 5 साल हमारे एमएलए ने काम किया है, वो जो सबके सुख दुख में भागीदार हुए हैं, जहाँ भी वो ग्रामीण विस्तार हो, सिटी विस्तार हो, और लोगों का जिसने भी वो अपनी ऑफिस थी उसमें हर एक आदमी की वो जो भी अर्जी आती थी उसका निकाल किया है, और हर एक एरिया में उसका काम किया। फिर उपचुनाव में पासा कैसे पलट गया था? उपचुनाव में क्या हुआ था कि वो सीमांकन हुआ था यहाँ महानगर पालिका का, इसलिए वो जो वोट थे वो बीजेपी वालों ने अपने ऊपर से सेटिंग करके। वो दिल पर हाथ रखकर बताइए, 2017 में जूनागढ़ में जिस तरह से कांग्रेस का गढ़ बनकर उभरा था ये पूरा इलाका, वैसी ही उम्मीद इस बार आप कर रहे हैं? वैसी, उससे भी ज्यादा होगी, उससे भी ज्यादा। हरेश भाई, जो मेरा साथी 5 साल में जो कांग्रेस का एमएलए है उसने एक भी विकास का काम ऐसा किया हो बता दे, उसके आधार पर वो किसके आधार पर वो मत लेने जाएंगे लोगों के सामने। गुजरात सरकार ने इस जूनागढ़ में बहुत बड़ा विकास किया है, ये यात्रा धाम है, टूरिस्ट सिटी है, इसलिए पहला तो मैं यहाँ देखता हूँ कि गिरनार का रोपवे बनाया है। हाँ, जो ये यात्रा धाम है, ये अंबाजी मंदिर के पास टूरिस्ट सिटी है, तो रोपवे बनाया है, मेडिकल कॉलेज बनाई है, नई हॉस्पिटल बनाई है, 3 यूनिवर्सिटी गुजरात सरकार ने यहाँ जूनागढ़ में दी है, विद्यार्थियों के लिए 3 यूनिवर्सिटी दी है, विकास बहुत किया है, पर इसने कांग्रेस को ये विकास नहीं दिख रहा है। रोड रास्ता की जो बात कर रहे हैं, 112 करोड़ का काम महानगर पालिका ने जूनागढ़ में मंजूर किया है, अभी उसका काम भी चल रहा है, रास्ता टूटा है हम भी स्वीकारते हैं, क्योंकि यहाँ भूगर्भ गटर का काम चल रहा है, टोरेंट गैस की लाइन घर घर जो गैस देने के लिए उसका काम चल रहा है, वाटर वर्क्स की लाइन का काम चल रहा है, इसलिए रास्ता टूटा है, वो जो रास्ता टूटे थे वो सभी रिपेयर कर दिए हैं अभी। लेकिन ये बताइए, जो असंतुष्टों की बात हो रही है, डिससैटिस्फाइड जो कैंडिडेट्स हैं उनकी संख्या आपकी पार्टी में कितनी है? एक एग्जाम्पल तो हमें वो पीवीएस शर्मा का नजर आ गया, जो कि आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के काफी करीबी थे और आम आदमी पार्टी में चले गए, आम आदमी पार्टी उन्हें सूरत से लड़ा भी रही है, टिकट भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपने व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश उस विचार के साथ काम कर रहा है, वो कोई नहीं। तो पीवी शर्मा 15 साल से आपकी पार्टी में थे, इतने दिनों से आपकी पार्टी में थे, अच्छे खासे कद के नेता थे, आपकी पार्टी के उपाध्यक्ष रहे, और अल्टीमेटली इलेक्शन से ठीक पहले उन्होंने पाला बदला और आम आदमी पार्टी में तो चले गए, सूरत से अब आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। वो तो कांग्रेस में से भी बीजेपी में आए हैं, वो तो कोई भी असंतुष्ट होगा ऐसा तो दरेक पार्टी में बनता ही है, जो वो पूरे नहीं, लेकिन इससे पार्टी काडर जो है, जो कार्यकर्ता, जो नेता सालों से काम कर रहे हैं, वो असंतुष्ट नहीं होंगे क्या? वो पार्टी के विचार के साथ पूरे जुड़े नहीं होंगे, वो ही पार्टी छोड़ कर जाएंगे, जो विचार के साथ जुड़े होंगे वो कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जाएंगे। धीरू भाई हंस रहे इस पर, ये चुनाव से पहले विचारधारा बदलने का ये जो रिवाज है, ये तो हर बार हमें नजर आता है, ये सिलसिला इस बार भी जारी है? नहीं, वो असर तो पड़ेगा, देखो अचानक से पार्टी में आस्था ठीक चुनाव के वक्त ही हो जाती है। नहीं, आज मैं बताऊं, मैं तो यहाँ का सीनियर जर्नलिस्ट हूँ जी। मैंने विसावदर के अपने जर्नलिस्ट दोस्तों को पूछा कि भाई अर्षद भाई यहाँ से वहाँ चले गए तो उसकी असर तो होगी। हाँ, जरूर होगी। हाँ, देखो कैसे होगी, मैंने पूछा कि कैसे होगी बताओ तो सही जी। हर्षद भाई को जो मत मिले थे वो कांग्रेस को मत थे, आप बताओ। हाँ, यहाँ कोई व्यक्ति से मत नहीं दे रहे, पार्टी के मत थे। तो ऐसे हर्षद भाई वहाँ चले गए तो हर्षद भाई के साथ उसके सभी मत वहाँ चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। वो सीट में भी प्रॉब्लम तो होएगा थोड़ा सा। कांग्रेस अभी वहाँ आगे चल रही है ऐसा सुन रहे हैं हम, विसावदर में।